आई एम सलोनी फ्रॉम जेनोको। हम ये वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग कैंसर, जिसमें हम कैंसर के बारे में आपको सिंपल वर्ड्स में इंफॉर्मेशन देंगे कि कैंसर क्या होता है, इसके डायग्नोसिस के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कीमोथेरेपी क्या होती है, ताकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन सिंपल वर्ड्स में मिल सके। तो सबसे पहले, व्हाट इज कैंसर? तो कैंसर एक ग्रुप ऑफ डिसीजेज है जिसमें अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, और जिनमें एबिलिटी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सके। इनके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर, जिसमें लिम्फोमा आता है, ल्यूकीमिया कैंसर आता है, जैसे कि एपिथीलियल कैंसर, जिसमें कार्सिनोमा आता है, न्यूरोएक्टोडर्मल कैंसर, जिसमें ग्लायोमा आता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स होते हैं। तो यूजली मन में सवाल आता है कि कैंसर क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो बेसिकली इसके दो फैक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, जिसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक, लाइफस्टाइल, डाइट, रेडिएशन एक्सपोजर, एज, कोई कार्सिनोजेंस का एक्सपोजर, एक्सेट्रा। तो बहुत सारे डिफरेंट कारण हैं, एंड इसके जो सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ कैंसर के ऊपर, लेकिन जो जनरल सिम्टम्स में हमें देखा गया है वो है जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, या फिर किसी एरिया में परसिस्टेंट पेन, लंप किसी एरिया में दिखना, फीवर, स्वेलिंग, चेंज इन बाउल मूवमेंट्स, बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं बॉडी के एरिया के ऊपर डिपेंड करते हुए कि किस जगह पर कैंसर है। तो अगर हमारे बॉडी के किसी एरिया में कैंसर सस्पेक्ट किया जाता है तो डॉक्टर्स यूजली उसकी जांच करवाते हैं। तो उसकी जांच करवाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे कि बायोप्सी, पेट सीटी, सिंपल सीटी स्कैन से भी हम टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको अपनी ये जो वीडियो सीरीज होंगी अंडरस्टैंडिंग कैंसर में, हम वन बाय वन उन चीजों के ऊपर वीडियोस बनाएंगे और आप तक हमारी ये नॉलेज लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो सीरीज में हमारे साथ, अंडरस्टैंडिंग कैंसर। जेनोंको इज ऑलवेज देयर फॉर यू। हम आपकी पूरी हीलिंग जर्नी में आपको गाइड करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।